क्लास 12th CBSE बोर्ड एग्जाम। हम क्लास 12th में CBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, चैप्टर वाइज क्या क्या तैयार करें, तो इस पर हम सबसे पहले फोकस करने वाले हैं। चैप्टर 2 ये बड़ा आसान है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या क्या आप पढ़ें, आप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन पढ़ें। स्टैमेन स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन इसमें एक पार्ट फिलामेंट है और दूसरा पार्ट एंथर लोब है। माइक्रोस्पोरोफिल है स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल ये आप जाने। फ्लावर क्या है, फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, शूट का मॉडिफिकेशन है। शूट क्या होता है, स्टेमन। फिर क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, सूट में तो लीफ होता है, लीफ है स्टेम है, इसी को हम सूट बोलेंगे। तो फ्लावर में ये स्टेमन भी एक प्रकार का लीफ है दैट बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक तो जब एंथर लोब का आप सेक्शन काटेंगे तो आप पॉलन सैक देखेंगे। पॉलन सैक में भी क्या देखेंगे, ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सबसे बाहर क्लियर तो इपिडर्मिस होगी, ये तो हर जगह पाई जाएगी। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो कि पॉलन सैक है, इसमें आउटर मोस्ट लेयर एंडोथीसियम कहलाती है। एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम की लेयर है, सबसे बाहर होगी ये। एंडोथीसियम की लेयर फाइब्रस होती है, इसमें जहां एंडोथीसियम वीक होता है वहां पर पॉलन सैक रप्चर करता है, उसको स्टोमियम कहते हैं।
ओस्टोमियम एक स्लिट है जिससे पाइनल सैक ओपन होगा, तो आउटर मोस्ट लेयर एंडोथीसियम है, फिर इसकी जो बीच वाली लेयर है मल्टी लेयर्ड है, शॉर्ट लिप्ड है, शॉर्ट लिप्ड होती है इसलिए इस लेयर को इफीमेरल बोला जाता है। इफीमेरल ये लेयर है, शॉर्ट लिप्ड है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। और ये लेयर गेट क्रश्ड हो जाती है, सबसे भीतर की लेयर को टैपटम बोलते हैं, ये टैपटम है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है टैपटम से पूछा जाता है। ये टैपटम जो है रेडियली इलांगेटेड है, लार्ज है। लार्ज कैसे हो गई, ये पॉलीप्लॉयड है। पॉलीप्लॉयड कैसे हुई, इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस में डीएनए रेप्लिकेट करता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं होता, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते हैं, साइज न्यूक्लियस की बढ़ेगी, पॉलीप्लॉयड कहलाएगा, और न्यूक्लियस की साइज बढ़ने से सेल की भी साइज बढ़ेगी, और ये डिमांड है टैपटम की, टैपटम शुड बी लार्जर इन साइज सो दैट इट कैन प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो टैपटम की सेल बड़ी है, पॉलीप्लॉयड है, कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, और नहीं तो सिंगल बाज लार्ज न्यूक्लियस होगा। और लार्ज क्यों हुआ, इंडोमाइटोसिस के कारण हुआ। तो टैपटम क्या करता है, रोल क्या है, टैपटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। स्पोरोजीनियस सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टैपटम। टैपटम यूबिस ग्रेन्यूल बनाता है, यूबिस ग्रेन्यूल, ये यूबिस ग्रेन्यूल टैपटम की एक्साइन बनाते हैं, उसमें केमिकल होता है स्पोरो पोलनी, तो स्पोरो पोलनी यूबिस ग्रेन्यूल द्वारा बनता है, ये एक्साइन में पाया जाता है, हार्डेस्ट मटेरियल है, किसी केमिकल का इस पर असर नहीं पड़ता। इस टैपटम से ऑक्सीन निकलता है IAA, और ये ऑक्सीन जो है स्पोरोजीनियस सेल पर काम करेगा, एक्ट करेगा, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या बढ़ेगी। और ये जो टेम्पटम है ये पॉलन ग्रेन के एक साइन के बाहर एक स्टिकी मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन किट। पॉलन किट का निर्माण ये उन फ्लावर्स के लिए आवश्यक है जिनमें पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट होता है, एंटोमोफिली होता है, उसमें पॉलन ग्रेन के बाहर की ओर ये वैक्सी मटेरियल लगा होता है।
so that pollen can get sticky at the surface of insect, get loaded to the surface of insect. Pollen kit, तो pollen kit ये एक साइन के बाहर एक स्टिकी मटेरियल है, चिपचिपा है. IAA जो है ये मल्टीप्लीकेशन में हेल्प कराता है स्पोरोजिनस सेल में. यूबिस ग्रेन्यूल जो है स्पोरो पोलनी बनाता है, जो हार्डेस्ट मटेरियल है. और टेप्टम से कैलेज एंजाइम निकलते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं. अब पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. पॉलन ग्रेन से पॉलन प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? तो पॉलन प्रोडक्ट के रूप में हमें टैबलेट्स मिलते हैं. उस टैबलेट का इस्तेमाल एथलीट करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. इसके इस्तेमाल हॉर्स को दिया जाता है. कौन हॉर्स? रेस वाले हॉर्स को, रेस हॉर्स को. फिर बात आती है पॉलन वायबिलिटी की. पॉलन ग्रेन कितना देर तक जिंदा रहेगा? इसमें भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं. तो जो सीरियल्स हैं, वीट है, राइस है, इसमें इनकी वायबिलिटी जो है 30 मिनट की होती है पॉलन ग्रेन की. लेकिन कुछ अन्य जगहों पर जैसे फेबेसी है, जैसे सोलनेसी है, ये पॉलन ग्रेन जो है दे आर दे सर्वाइव दे वाइबल फॉर मंथ्स, मेनी मंथ्स. लेकिन ये मेनी मंथ की बात कहां पे आएगी? फेबेसी में आएगी, मटर वाले फैमिली में. रोजेसी में आएगा. गुलाब वाले फैमिली में. सोलनेसी सोलनम निग्रम ब्रिंजल टोमेटो आदि की फैमिली में आता है. और पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में. तो ये क्रायो प्रिजर्व होता है. क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं. और ये इस्तेमाल जो है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, ये पॉलन बैंक में इस्तेमाल होता है. और इन पॉलन बैंक का इस्तेमाल जो है हम क्रॉप ब्रीडिंग में करते हैं. क्रॉप ब्रीडिंग में करते हैं हम, जहां कहीं भी वैरायटी रेस के इंप्रूवमेंट में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, तो वहां पर जो है इनकी जरूरत पड़ती है. पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन है, बल्कि इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट. क्योंकि पॉलन ग्रेन में आप देखेंगे सिंगल न्यूक्लियस होता है,
स्टार्टिंग में, बाद में इसमें वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं और न्यूक्लियस वन साइड पुश्ड हो जाता है, और फिर डिवीजन भी अनइक्वल होता है, जिससे एक छोटी सी सेल बन जाती है जिसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। और बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। कुछ कंडीशन में पालन में टू सेल स्टेज में ही जर्मेट कर जाती है, सेड हो जाती है। टू सेल स्टेज में सेड होगा पालन में, और कहीं कहीं पे थ्री सेल्ड में होगा। जब थ्री सेल्ड में होगा तो जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगी, दो मेल गैमेट बनेगा, अब इसके चारों थोड़ा सा एक साइन भी दिखा दे। ये एक साइन है, एक साइन का लेयर बना दें। हर जगह ये व्यवस्था होगी। ये जर्म पोर है, ये एक साइन है। ये इन टाइम है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ पॉलग्रेन है, दो सेल में बटेगी, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिटैच हो जाएगी, बाद में दो मेल गैमेट में बनाएगी, और वेजिटेटिव सेल इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस भी बाद में डिजेनरेट कर जाता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ओव्यूल से संबंधित है, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, ये क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल में दो इंटरमेंट, ये दो इंटरमेंट है ओव्यूल में पाए जाते हैं। ये ओव्यूल का फिनिकल है, डंठल है, फिनिकल ओव्यूल जहां से, फिनिकल जहां से बेस अटैच होता है उसको हम हिलम बोलते हैं। ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये दो इंटेगमेंट हैं। बीच में न्यूसेलस है, और न्यूक्लियस के बीच में यहां पर इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल के पास एक्सेल है, और उसके बगल में दो सिनर्जिड्स हैं। दोनों को मिलके एक अपरेटस बनाता है। यहाँ एंटीपोडल सेल है, यहाँ
ये पोर्शन शैलेजा कहलाता है, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसके पहले पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, दोनों की फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है तो एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल्ड हो जाती है। ये स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। फिर मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक क्या बात है, कब इसको बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक तब होगा जब एक फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो सैक बनाता है तो वो मोनोस्पोरिक हो जाएगा। अगर वो दो में बट के दो में से एक बनाएगा तो बाइस्पोरिक हो जाएगा। और टेट्रास्पोरिक तब बोलेंगे जब मेगास्पोर के चारों न्यूक्लियाई कंप्लीट मियोसिस करते हैं और इन चारों न्यूक्लियाई से अगर एम्ब्रियो सैक बनता है तो टेट्रास्पोरिक होगा। तो होता क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा देखेंगे। ये ओव्यूल है, ओव्यूल में प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल पाई जाती है, सेकेंडरी आर्चिस्पोरियल सेल पाई जाती है, ये डिवाइड करती है दो सेल में, प्राइमरी पेराइटल सेल प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल प्राइमरी पेराइटल सेल का कोई रोल नहीं रहता है, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल ये मेगा स्पोर बनाएगी। तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर आएगा, ये पेराइटल, ये स्पोरोजीनियस। पेराइटल का कोई रोल नहीं रहेगा, स्पोरोजीनियस बाद में जो है मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी, ये मेगा स्पोर है। अब इस मेगा स्पोर में इससे डायरेक्ट अगर मियोसिस हो और चार न्यूक्लियस बन रहे हैं, इससे अगर एम्ब्रियो सैक बनता है तो वो टेट्रास्पोरिक होगा। अगर ये डिवाइड करके चार में बट जाए और तीन रीजनरेट कर जाए, एक बची रहे, इससे डेवलपमेंट होता है तो मोनोस्पोरिक होता है। तो ज्यादातर जो एम्ब्रियो सैक है वो मोनोस्पोरिक है और उसमें सबसे कॉमन टाइप जो है पॉलीगोनम टाइप है। पॉलीगोनम टाइप जो मोनोस्पोरिक है ये 7 सेल्ड होता है,
जो कि हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, तो ये मोनोस्पोरिक है। और बाइस्पोरिक में क्या होता है, ये दो टेट्राड बना, टेट्राड दो भागों में बटा, डायाड बना, एक डीएनएट कर गया और एक ही से डायाड से अगर बनता है तो बाइस्पोरिक कहलाएगा। अगर फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट अगर एम्ब्रियोसैक बनाती है तो टेट्रास्पोरिक। फिर एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर और सिनर्जिड का रोल, फिलीफॉर्म अपरेटस का रोल, एंटीपोडल का रोल, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये एक यहाँ पर ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये सिनर्जिड सेल है और ये एक्स सेल है। तो सिनर्जिड सेल में जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इससे जो केमिकल निकलते हैं वो गाइड करता है, गाइड टू पॉलन ट्यूब। फिलीफॉर्म अपरेटस कीमोएक्टिव सबस्टेंस निकलते हैं दैट गाइड द पॉलन ट्यूब, ये एक्टर शॉक एब्जॉर्बर। और ये जो है इट प्रोवाइड सीट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ पॉलन ट्यूब। जो सिनर्जिड जो है ये साइट प्रोवाइड कराते हैं जहां पॉलन ट्यूब बस्ट करता है, तो पॉलन ट्यूब बस्ट करने के लिए स्पेस देते हैं, पॉलन ट्यूब को ये अट्रैक्ट करेंगे और मेल गैमेट को जब ये सक करते हैं तो उस समय शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं। इस फिलीफॉर्म अपरेटस की जो वाल होती है वो चैलेंजर साइट थिन होती है, चैलेंजर के साइड में थिन होती है, मतलब तो ऊपर ये नीचे वाल मोटी होगी ऊपर वाल थिन होगी, ये खासियत है फिलीफॉर्म अपरेटस की। एंटीपोडल सेल ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट अब्जॉर्ब करते हैं, कभी कभी तो ये डीजनरेट कर जाते हैं एंटीपोडल, और कभी कभी ये नरिशमेंट अब्जॉर्ब करते हैं न्यूसेलस से, बाहर न्यूसेलस से। न्यूसेलस से नरिशमेंट अब्जॉर्ब करेंगे तो इनका व्यवहार हार्स्टोरियम की तरह होगा। कौन एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बिहेव लाइक हार्स्टोरियम, एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम न्यूसेलस। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इसमें वन मेल गैमेट फ्यूज करता है तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया यहां पर।
या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। अच्छा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, पीईएन बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज करता तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। एक्सेल से फ्यूज करता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं, और इसे जाइगोट बनेगा। और जाइगोट का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का इंतजार करता है। ये खास बात जो है डबल फर्टिलाइजेशन से। क्वेश्चन पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें आप जानिए सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस, तो ये सिग्निफिकेंस क्या है? एंडोस्पर्म जो है यहां पर ट्रिप्लॉयड है, एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड, तो इट विल बी मोर मैसिव। ये एंडोस्पर्म बड़ा बनेगा, और इसमें मेल जीन्स हैं तो हाइब्रिड नेचर है, तो एंडोस्पर्म हाइब्रिड नेचर का है, तो ये हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर को प्रमोट करता है। तो ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन साइज ऑफ एंडोस्पर्म इज ह्यूज, इट विल प्रोवाइड मोर नरिशमेंट। अगर डबल फर्टिलाइजेशन ना हो, जैसे जिम्नोस्पर्म होता है, वहां एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, तो वो लेस मैसिव होगा, लेस वीक होगा, और हाइब्रिड विगर तो उसमें पाया नहीं जाएगा, मेल जीन्स का कोई रोल नहीं होगा वहां पर। यहां मेल जीन्स का रोल है, हाइब्रिड विगर के कारण एग्रेसिव विथड्रॉल ऑफ नरिशमेंट। इस हाइब्रिड विगर का क्या होता है? अग्रेसिव, अग्रेसिव विथड्रॉल। और एक और बात है, इस डबल फर्टिलाइजेशन का एक फायदा और है, इसमें एंडोस्पर्म तभी बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन एग इज फर्टिलाइज, तो देयर इज नो वेस्टेज, नो चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट। तो डबल फर्टिलाइजेशन इट इंश्योर्स फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए एंडोस्पर्म बन रहा है। ये डबल फर्टिलाइजेशन की बात है, जहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वहां एंडोस्पर्म ऑलरेडी फॉर्म एंड इट हैज टू वेट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मे आर मे नॉट अकर, एम्ब्रियो मे आर मे नॉट बी फॉर्म, लेकिन यहां है इसका सिग्निफिकेंस। और जीनिया इफेक्ट, मेल जीन का असर, जीनिया इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ये डबल फर्टिलाइजेशन के कारण होता है, और जीनिया के अलावा मेटाजीनिया इफेक्ट मिलेगा। मेल गैमेट का असर एंडोस्पर्म तक नहीं, इट विल अफेक्ट सीड, सीड कोट आप मेज में देखिएगा, मल्टी कलर सीड, मेज में जो मल्टी कलर सीड होते हैं ये मेटाजीनिया का इफेक्ट है। अलग अलग पालनगेट, सबको अलग अलग पालनेट किया है, अलग अलग मेल गैमिट है, तो अलग अलग प्रकार के सीड डेवलप हो रहे हैं, सीड कोट डेवलप हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात डबल फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है, एंडोस्पर्म विल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नो वेस्टेज, एंडोस्पर्म विल बी डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड होने से क्या होगा, बड़ा होगा, मैसिव होगा, मोर न्यूट्रिटी होगा। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म पूछा है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत कॉमन है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो शुरू में न्यूक्लियर बाद में सेलुलर हो जाता है। दूसरा हेलोवियल, इसमें अब पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म डीजनरेटेड। तीसरा सेलुलर, क्या होगा न्यूक्लियर में, ये जो एंडोस्पर्म है पीएन है सेल, ये साइज में बड़ा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बीच में वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। ये डाटा न्यूक्लियाई या बनेंगे, प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो इन सब केस में जहां कहीं भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वहां जो सीड जो होता है वो मिल्की होता है। सीड को अगर दबाओगे तो दूध जैसा निकलेगा, जैसे आप देखे होंगे मेज में, जैसे आप देखे होंगे वीट में, जैसे आप देखे होंगे राइस में, जैसे आप देखे होंगे सनफ्लावर में, कोकोनट में, पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन,
अगर आप कोकोनट को देखें तो कोकोनट में जो है बाहर की ओर व्हाइट कर्नल होता है, कर्नल ये कर्नल जो बाहर वाला पार्ट है ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। बीच में जो है टेंडर कोकोनट में आप देखेंगे बीच में जो है वाटर बना होता है, मिल्की होता है, जो थोड़ा सा कच्चा नारियल होगा टेंडर कोकोनट में, जो कोकोनट वाटर लोग पीते हैं हाईली न्यूट्रिटिव है। हेलो बियल में क्या होता है, हेलो बियल में एंडोस्पर्म में पाला न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो अनइक्वल पार्ट एंडोस्पर्म का बट गया है। ये चैलेंजल है, ये माइक्रोपाइलर है, दो पार्ट हो गए। चैलेंजल पार्ट में कुछ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में ये डीजनरेट कर जाएगा हेलोबियल के केस में, और ऊपर वाला जो है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इट विल डेवलप जस्ट लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में भी देखेंगे बाहर से सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और सेलुलर एंडोस्पर्म में ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, हर न्यूक्लियर डिवीजन से के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। सेलुलर ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, हेलोबियल सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन या फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इनिशियली। तो ये बात आप डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में देखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो क्या है, इसमें डायग्राम अक्सर उल्टा बन जाता है। अगर हम देखें ओव्यूल का मुंह यहाँ खुला हुआ है, माइक्रोपाइल यहाँ पर है, तो ये ओव्यूल उल्टा हो गया। तो यहाँ पर जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करेगा दो सेल में, एक बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 6 to 10 सेल सस्पेंशन बन जाएगा। दूसरी सेल नीचे वाली टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल है, इसको हम
इम्ब्रियो सेल बोलते हैं। इसमें फर्स्ट ट्रांसवर्स, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, जिससे क्या होगा, अब इसमें जो बेसल सेल है उसमें जो एकदम बेस में रह गई वो हार्स्टोरियल बनाई और बाकी एक कतार बना ली, यही कतार सस्पेंसर है, और बड़ी वाली सेल हार्स्टोरियम है। सस्पेंसर में सबसे नीचे वाली सेल सस्पेंसर, सबसे नीचे वाली सेल हाइपोफाइसिस बनाएगी। यह हाइपोफाइसिस बाद में रूट कैप और पार्टा पेडिकल, और जो टर्मिनल सेल है उसमें पहला डिवीजन, ये पहला ट्रांसवर्स है ये डिवीजन, इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। एट सेल स्ट्रक्चर बन गया है। एट सेल स्ट्रक्चर में दो टायर बने, जो टायर नीचे था, नीचे का टायर लोअर टायर, लोअर टायर ने प्लीम्यूल कॉटिलीडॉन और ईपी कॉटिल, तीन चीज से बनती है। तो सबसे ऊपर ईपी काटिल, इसके बाद प्लम्यूल, ये कॉटिडान दो है, ये प्लम्यूल का हिस्सा है और ये ईपी काटिल है। ईपी काटिल ये कॉटिलीडॉन, ये प्लम्यूल, ये लोअर टायर से डेवलप, और अपर टायर से ऊपर इसमें रेडिकल और हाइपोकॉटिल। तो इसके ऊपर ये हाइपोकॉटिल होगा, इसके ऊपर रेडिकल होगा, इनका डेवलपमेंट जो है अपर टायर से होता है, ये अपर टायर है। तो सस्पेंसर की सबसे लास्ट की सेल हाइपोफाइसिस, जो जो रूट कैप और रेडिकल बनाती है, अपर टायर रेडिकल और हाइपोकॉटिल, और लोअर टायर ईपी कॉटिल प्लम्यूलो कॉटिल टायर बनाता है। ये डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट आप इसको अगर पूरा देखें जी हो गया। यहीं पर रेडिकल है,
यहाँ पर ईपी हाइपोकॉटिल है, नीचे ईपी कॉटिल है, ये कॉटिलडॉन है, और ये प्लूम्यूल है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो है। फिर एक चीज और पूछी जाती है, वो पॉली इम्ब्रियोनी या एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस जो है ये डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो एक तरह से ये मिमिक है, मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस मिमिक की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर हम इम्ब्रियो चाहते हैं और किसी हाइब्रिड प्लांट का अच्छी क्वालिटी का इम्ब्रियो चाहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, तो उसके कैरेक्टर जो है डाइल्यूट हो जाएंगे मिक्सिंग ऑफ जीन के कारण। तो जो हाइब्रिड इम्ब्रियो या हाइब्रिड सीड है, आफ्टर 2 to 3 जनरेशन ये यूजलेस हो जाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स दिस दे सो अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ सीड, बट आफ्टर 2 or 3 जनरेशन क्वालिटी ऑफ दैट सीड विल डिटोरिएट ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें जो नॉर्मल वैरायटी का प्लांट है उसके पॉलिनेटर भी आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट आर इन सर्च, दे ट्राई टू डेवलप इम्ब्रियो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो हम वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, लीफ लेते हैं, स्टेम लेते हैं, रूट लेते हैं, उससे सीधे हम इम्ब्रियो डेवलप करते हैं। लेकिन यहां पर ओव्यूल के बीच आप देखी होंगी, यहां पर एक्सेल है, अगर सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, इफ दे आर डिप्लॉयड एंड दैट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो, तो दैट इम्ब्रियो विल हैव सेम कैरेक्टर, सेम जीन एज टू पेरेंट्स। तो एपोमिक्सिस इज द ऑब्टेनिंग इम्ब्रियो फ्रॉम एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल से इम्ब्रियो प्राप्त करें, सिनर्जिड से इम्ब्रियो प्राप्त करें। समटाइम्स सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलर इम्ब्रियो बन जाएगा। तो इससे भी एपोमिक्सिस का एक तरीका हो सकता है। तो एपोमिक्सिस इज अ वे टू ऑब्टेन इम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन। इम्ब्रियो में भी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इम्ब्रियो में भी ऑब्टेन फ्रॉम एंटीपोडल सेल, इम्ब्रियो में भी ऑब्टेन फ्रॉम सिनर्जिड सेल,
may be obtained from entanglement. So scientists are in search of a such type of genes that promote developing apomixis immune. So apomixis, it is very beneficial for the farmers. Farmer has not to purchase seed every year after 2 or 3 years. 2-3 साल बाद भी उनको सीड नहीं परचेज करना होगा. क्यों? क्योंकि वो सीड जो है वो जो इम्ब्रियो होगा एंटीपोडल से बनेगा, सिनर्जिड से बनेगा, न्यूक्लियस से बनेगा. एक पार्थिनोकार्पी होती है, पूछा गया है कई बार पार्थिनोकार्पी क्या है. इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यहां फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन. तो विदाउट पॉलिनेशन होगा, सीडलेस फ्रूट होगा. तो सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट में इन सीडलेस फ्रूट का इकोनॉमिक महत्व है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. इनसे हम अगर फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं जैम जेली बना रहे हैं तो सीड को निकालना नहीं पड़ेगा. कैसे पार्थिनोकार्पी डेवलप किया जाए? तो बाय यूज ऑफ प्लांट हार्मोन्स. अब प्लांट हार्मोन ऑक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिब्रेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ प्लांट में नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है. ये जेनेटिक अल्टरनेशन द्वारा होता है. अगर कोई प्लांट डिप्लॉयड हो जाए, पेंटा प्लॉट हो जाए, तो उसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मिलेंगे. इन्वायरमेंटल लो टेम्परेचर देकर के भी जो है पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड. तो प्लांट हार्मोन ये केमिकल हो गया, दूसरा नेचुरल हो गया. तो ये जेनेटिक ऑल्टरेशन होता है. जेनेटिक अल्टरेशन होता है और तीसरा इन्वायरमेंटल है. ये लो टेम्परेचर दे दें, लो टेम्परेचर देने पर पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है. फिर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पॉलिनेशन और पॉलिनेशन में एनिमोफिली पूछा जाता है तो लड़के गड़बड़ कर देते हैं. एनिमोफिली इसका मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड. विंड पॉलिनेशन होगा तो पालन गेयर में पालन किट की जरूरत नहीं होगी.
नेक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, कलरफुल फ्लावर नहीं चाहिए। लेकिन पालन गेन शुड बी मोर, मेल फ्लावर शुड बी मोर, ये सब चाहिए। दूसरा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिली में एक हाइपो हाइड्रोफिली होता है, हाइपो हाइड्रोफिली मतलब नीचे, ये कहाँ मिलेगा आपको? सीराटोफिलम में मिलेगा। सीराटोफिलम, इस सीराटोफिलम में क्या होता है? इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो नेकेड है, थिन वाल्ड है, और ये पहले फ्लोट करता है वाटर में ऊपर और धीरे धीरे सिंक कर जाता है। फीमेल फ्लावर सबमर्ज होता है, स्टिग्मा भीतर होगी यहाँ पे, तो ये सिंकिंग पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद फीमेल फ्लावर, हाइपो हाइड्रोपडी हो जाएगी। एक जोस्टेरा होता है, इसमें भी एक साइन नहीं है, इन दोनों फ्लावर पॉलिगन में एक साइन नहीं होती है, एक साइन अब्सेंट है। और ये जोस्टेरा का जो पॉलिगन होता है ये फिलामेंटस होता है, लंबा सा होता है। तो ये पानी में डूब करके सबमर्स रहता है, इसलिए वाटर सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो जाता है। हाइपो के बाद ईपी, हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली वहां होगा जहां पॉलन गेन सरफेस पर पहुंचेगा, वेलिस्नेरिया। फीमेल फ्लावर भी सरफेस पर रहेगी, इसमें पेडंकल काफी बड़ा होता है, फीमेल फ्लावर सरफेस पर रहती है वेलिस्नेरिया, इसे पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर होगा। मेल फ्लावर भी इनफ्लोरेसेंस तो नीचे होता है लेकिन टूट करके मेल फ्लावर ऊपर चला आता है और फ्लोट करता रहता है। कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट हैं, एक चीज और जानिएगा, कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट हैं जो एक्वाटिक हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ, जैसे वाटर लिली, इनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, ये विंड पॉलिनेशन होगा या इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा। तो याद रखेंगे इनमें विंड या इंसेक्ट, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में, इनके जो फ्लावर जो है वाटर सरफेस पर ऊपर पाए जाते हैं। एक कुछ और विशेष कंडीशन होती है, जैसे कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस मदार, इसमें पॉलिनेशन केवल इंसेक्ट द्वारा होता है,
क्योंकि पालन बैग इंसेक्ट द्वारा ही उठाया जा सकती है। ये भी जान जाए सेल्विया। फिर आउटबिल्डिंग डिवाइस की बात आती है। आउटबिल्डिंग डिवाइस कुछ फ्लावर प्रमोट करते हैं, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार इनब्रीडिंग से, सेल पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए फ्लावर ट्राई टू डेवलप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल एक ही जगह है, वो मोनोसियस है। अगर मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, तो वो डायसियस हो जाएंगे। जो फ्लावर डायसियस होते हैं प्लांट, जैसे पपाया, जैसे मलबेरी, जैसे डेट पाम, इनमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। तो इन तरह के जो जो प्लांट डायसेस होते हैं, वहां क्रॉस पॉलिनेशन और जिटेनोगैमी दोनों नहीं होता है। जिटेनोगैमी मतलब एक ही पेड़ के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन, मोनोसियस में हो सकता है। इसमें मेज है, कैस्टर है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस डाइचोगैमी है। इन केस ऑफ डाइसोगैमी, सपोज एंथर मैच्योर फर्स्ट, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंड्री। एंथर मैच्योर फर्स्ट, तो एंथर मैच्योर कर गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं किया है, पॉलिनेशन होगा ही नहीं। दूसरे में स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट प्रोटोगाइनी, डाइसोगैमी है। सेल्फ स्टेरिलिटी, उसी फ्लावर का पालन ये उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी है, सेल्फ स्टेरिलिटी भी है। तो अगर कोई फ्लावर पूछा जाए कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहता है, क्या करेगा? वो अपने अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी डेवलप करेगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप करेगा। उसके पॉलन ग्रेन पे पाए जाने वाले जीन और स्टिग्मा पे पाए जाने वाले जीन मैच नहीं करेंगे, हेटरोस्टाइली होता है।
ये भी एक मेथड है, उसमें या तो जो है स्टेमन छोटा हो गया, स्टिग्मा काफी ऊंचाई पर होगा, दोनों की ऊंचाई बराबर नहीं होगी, दोनों की हाइट अलग अलग होगी, हेट्रोस्टाइलिंग। हो सकता है स्टेमन बड़े हो, पिस्टल छोटा हो, हेट्रोस्टाइलिंग। ये आउटपुटिंग डिवाइसेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ खास खास टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक चैप्टर आप तैयार करते जाएंगे बड़े आराम से। फिर इसमें फिर कुछ चीजें और आपको जाननी है थोड़ा सा, जैसे कोई सीड है, सीड भी दो तरह का है, एक इंडोस्पोरिक सीड है। तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो अगर आप एंडोस्पर्म नहीं है ऐसे सीड, जैसे पी है, ग्राम है, एंडोस्पर्मिक में होता क्या है, इसमें जो है एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता, तो सफिशियंट फूड इज केप्ट इन एंडोस्पर्म। फूड जो है एंडोस्पर्म में पाया जाएगा, कहाँ आप देखेंगे, व्हीट के केस में, मेज की केस में, कैस्टर के केस में, एंडोस्पर्म है। तो आप अगर आप देखते हो ये मेज है, तो मेज में इतना हिस्सा है एंडोस्पर्म है, यहां पर एम्ब्रियो है। तो ये आपको व्हीट में भी मिलेगा, मेज में मिलेगा, कैस्टर में मिलेगा। कैस्टर और पी देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कैस्टर में देखेंगे जो कॉटलीडान है उसका, वो थिन होगा, पतला सा होगा, पेपर ही होगा, जिसको हम निकालते हैं बाद में। और ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ये है। इसका मतलब ये अगर कैस्टर सीड है या पतला सा पेपरी, दो कॉटलीडान है, और अगर आप ग्राम में देखते हैं, पी में देखते हैं,
ये कांटेदार खुद ही बहुत बड़ा बड़ा है, मोटा मोटा, ये दो कांटेदार है। यहाँ जो है वो न्यूट्रिएंट कांटेदार में है, तो यहाँ कार्टिग्राम थिक होगा, यहाँ कार्टिग्राम थिन होगा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक में। और इसमें एक पोलियो टाइल और पोलियो राजा की बात आएगी। पोलियो टाइल ये हरे रंग का होता है, जो प्लीम्यूल को कवर करता है। पोलियो टाइल अपवर्ड मूव करेगा। पोलियो राइजा नॉन ग्रीन है, पोलियो राइजा, राइजा टर्म आ जाए तो रूट समझ लीजिए, ये डाउनवर्ड मूव करता है, नॉन ग्रीन है, रूट को प्रोटेक्ट करेगा। फिर एक डिफरेंस और पूछता है, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म तो पेरिकार्प जो है ये पार्ट ऑफ फ्रूट है, डेवलप फ्रॉम वाला फोबरी। ये ईपी कार्प हो सकता है, छिलका बीच बार वाला, मीजो कार्प बीच वाला हो सकता है, एंडो कार्प सबसे भीतर होता है। जैसे आम में छिलका जो है वो ग्रीन कलर का ईपी कार्प है, गुद्दा मीठा खाने वाला मीजोकार्प है, एंडोकार्प गुठली है, हार्ट। और पेरिस्पर्म क्या है? ये न्यूक्लियस का पार्ट है, सीड में न्यूक्लियस देखते होंगे, ये पेपर ही होता है। फिर होगा ड्राई होगा डिप्लॉयड होगा। एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म मैसिव होगा, ड्राई नहीं होगा, डिप्लॉयड होगा। राई नहीं, फ्लैसी होगा। तो इतनी चीज थोड़ी सी पढ़ लेनी है।